लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज नाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजातरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले जान लेते आज की सुर्खियों को। विधानसभा लोक लेखा समिति गिरिडीह पहुंची, सरकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान जताई नाराजगी। वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर सफेद पत्थर लोड ट्रैक्टर को किया जब्त, मौके से तस्कर व ट्रैक्टर चालक हुए फरार। स्कूल निरीक्षण के दौरान दुकान सजाकर बैठे थे जिला शिक्षा अधीक्षक, मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग की कही जा रही है बात। एक ही जमीन पर दावेदारी को लेकर दो पक्ष हुए आमने सामने, संबंधित विभाग कर रही है जांच। और हुट्टी बाजार स्थित फैली गंदगी को लेकर स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन, जल सफाई नहीं होने पर करेंगे निगम का घेराव। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह विधान की लेखा जोखा समिति गुरुवार को गिरिडीह पहुंची। यहां अधिकारियों के साथ लगभग 3 घंटे चली बैठक में सरकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान सेल टैक्स, वन विभाग, परिवहन और पथ प्रमंडल के राजस्व वसूली के आंकड़े पर नाराजगी जताई गई। गिरिडीह विधानसभा की लेखा जोखा समिति की टीम गुरुवार को गिरिडीह पहुंची और परिसदन भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। समिति के सभापति सह विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में हुए बैठक में समिति के सदस्य सह स्थानीय विधायक सुधीर कुमार सोनू, विधायक सुखराम उराव, अमित यादव और विक्सल कोगड़ी के अलावे डीसी राहुल सिन्हा, एसपी अमित रेणु समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान बैठक में राज्य महालेखाकार के कंडिका रिपोर्ट के अनुसार कई विभाग के राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। वन विभाग, खनन विभाग, परिवहन विभाग और वाणिज्य कर विभाग का टैक्स वसूली औसत से बेहद कम रहा। 3 घंटे तक चले बैठक के दौरान राजस्व वसूली को लेकर इन विभागों के महालेखाकार की कंडिका रिपोर्ट पहले से बेहद खराब थी, लिहाजा कंडिका रिपोर्ट के आधार पर किए गए समीक्षा में इन विभाग के पदाधिकारियों को लेखा जोखा समिति के सभापति समेत कई विधायकों ने फटकार लगाया और हालात बेहतर करने का सुझाव दिया। बैठक में कई विभागों की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। समीक्षा के क्रम में पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट पर समिति ने कड़ा एतराज जताया और पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को कड़े शब्दों में अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं में सुधार नहीं लाया गया तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। कहा कि योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत मिली तो संवेदक के साथ उन पर भी विभागीय कार्रवाई होगी। इधर बैठक में DDC शशिभूषण मेहरा समेत विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। पिछले 7 तारीख से प्रदेश के विभिन्न जिला फिर दौरा करने अब स्थल अध्ययन के रूप में निकली हुई है। ये लोक लेखा समिति विधानसभा की समिति है और अध्यक्ष द्वारा इस समिति का एक तरह से क्योंकि अध्यक्ष के द्वारा इस समिति का बनाया जाता है और इसमें यही है लोक लेखा समिति में भी झारखंड प्रांत के अंदर में या सरकार के द्वारा चाहे अभी हो चाहे बाद में हो पूर्व में हुआ हो सारे कामों का लेखा जोखा का प्रस्तुति करो और उसमें 2 तरह का विषय आता है इससे लेखा जोखा में। एक तो हम योजनाओं को कैसे योजना से संबंधित है और दूसरा है कि रेवेन्यू जनरेट कर रहे हमारा राजस्व कैसे प्राप्त होगा। ये 2 विषय को यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं और आज गिरिडीह जिला के अंतर्गत जो कंडिका हमारा था, कंडिका जो AG का जो ऑब्जेक्शन था है या AG ने जो बतलाने का काम किया कि यहाँ पर आपका थोड़ा सा त्रुटि है गिरिडीह जिला में, उसको आप किस रूप में काम करने या कार्रवाई के क्षेत्र में काम करें जिससे कि हम उस कंडिका को पूरी तरह से समिति संतुष्ट हो जाती है तो फिर उसको हम ड्रॉप करने के क्षेत्र में आगे तक कार्रवाई करते हैं। और आज बहुत सा कंडिका था, यहाँ फॉरेस्ट का था, खनन का था, आपको रोड से संबंधित था, राजस्व ट्रांसपोर्ट से लेकर था, मैंने बहुत सा सारे विभाग कंडिका थी, हेल्थ से कंडिका था, सारे विभागों का हम लोगों ने यहाँ कंडिका बार चर्चा किया है और यहाँ से हम लोगों को जो जवाब मिला है और जो प्रतिवेदन का हम लोगों ने मांग किया कि जल्दी से जल्दी यहाँ का जो भी विषय संबंधित है सारे प्रतिवेदनों को हम लोगों के सामने इस समिति के सामने 15 दिन के अंदर में आप लोगों ने काम करें जिससे कि हम इसको ड्रॉप करने के ड्रॉप आउट करने के क्षेत्र में काम करें। वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना इलाके के बदगुंदा खुद जंगल में छापेमारी कर अवैध सफेद पत्थर कॉटेज से लदे ट्रैक्टर को जब्त किया है।
डीएफओ के निर्देश पर विभाग के कर्मियों ने पत्थर लोड ट्रैक्टर को जब्त किया है। हालांकि मौके से तस्कर व ट्रैक्टर चालक फरार हो गए। गिरिडीह में बंद भूमि से अवैध उत्खनन कर सफेद पत्थरों की तस्करी लगातार की जा रही है। जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियां शिक्षा ने कार्यों के लिए विद्यालयों का निरीक्षण करने के साथ साथ स्कूलों में दुकान सजाने के लिए है। निरीक्षण के क्रम में शिक्षा ने कार्यों की जानकारी लेने के साथ ही एक नामी कंपनी के प्रोडक्ट को सजाकर बेचने लगते हैं। हालांकि उन्होंने किसी कंपनी के मार्केटिंग की बात से इनकार किया है। गिरिडीह जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार इन दिनों सुर्खियों में है। बताया जाता है कि पिछले कई माह से यह बात सामने आ रही थी कि डीएससी की ओर से सरकारी विद्यालयों के कुछ एक शिक्षकों पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का महंगा प्रोडक्ट खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि सामान डीएससी साहब ही बेच रहे हैं। साहब अपनी सरकारी गाड़ी में ही सामान लेकर विद्यालय पहुँचते हैं। बुधवार को स्कूल से ही इसकी सूचना पत्रकारों को दी गई। सूचना पर जब टीम पहुँची तो देखा कि डीएससी साहब विद्यालय में बैठे हुए हैं और टेबल पर सामान रख शिक्षकों के साथ मोल भाव कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी कंपनी की मार्केटिंग के बात से इनकार किया है। एक ही जमीन पर दावेदारी को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष पर जबरन धान लगा देने का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन देकर जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। मामला बेंगाबाद के कर्णपुरा की है। बेंगाबाद के कर्णपुरा में एक ही जमीन पर दावेदारी को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। कर्णपुरा मौजा स्थित खाता नंबर 19 प्लॉट संख्या 82 की जमीन को लेकर एक पक्ष के लट्टू चौधरी व नारायण चौधरी एवं दूसरा पक्ष बाबूलाल चौधरी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। लट्टू चौधरी और नारायण चौधरी ने कहा कि बाबूलाल चौधरी उक्त जमीन पर जबरन धान लगाने का काम कर रहा था, मना करने पर भी नहीं माने। इस बीच उन्होंने थाना और अंचल विभाग को आवेदन देकर जाँच पड़ताल की मांग की है। जबकि बाबूलाल चौधरी की ओर से लंबे समय से उक्त जमीन पर धान लगाने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल जमीन किसकी है इसकी जांच संबंधित अधिकारी कर रहे हैं। ये जमीन जो है नफरू चौधरी के नाम से खतियाने खाता 19 है जी। कल हम लोग आए थे यहाँ पर देखे कि पुलिस आई थी और धान रोक रहा था, उसको मना किया। मना करने के बाद मेरी लोग जो कहाँ चले गए पता नहीं। उसके बाद फिर जो है कुछ लोग आए बहुत माजा मना करके और फिर ये जो है धान रोकाई करना स्टार्ट किए। वैसे परिस्थिति में अगर ये लोग होते और ये लोग भी यहाँ पर आ जाते काउंटर हो जाता और काउंटर हो जाता हो सकता था कि कुछ जो है और हिंसा बढ़ने का संभावना हो सकता था, लेकिन ये लोग यहाँ पे नहीं थे। वाकई वारदात पर और फिर जो है धान रोकते अभी कहते हैं कि हम सामाजिक लोग हैं और सामाजिक लोगों को समाज के तरीके से काम करना चाहिए, लठेत की तरह काम नहीं करना चाहिए। लठेत का जो काम होता है उससे हिंसा भड़क सकती है। इन लोगों का अपना हक है, लोग का ये पुश्तैनी जमीन है। नफरू चौधरी इन लोगों के वंशज थे। झब्बन चौधरी जो है सो कई एक जमीन जो है सो यहाँ पर बिक्री की है। कर्मपुरा मोजा और कर्माटा मोजा इसका ये है और ये नफरू चौधरी के वंश में है। इसका हक इस जमीन पे बनता है और इसके लिए लोगों को जो सामाजिक लोग हैं उनको काम करना चाहिए और हक दिलाना चाहिए। मामला था ये संजय मुखिया ना दादी वाला जी, उसके साथ बाबूलाल चौधरी को बोले थे बैठ के कमर बात कर लीजिए बैठ के फैसला। इसके बीच में नहीं माना, फैसला नहीं किया और जबरदस्ती खेत रोक रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ मना किए, प्रशासन की लड़ाई झगड़ा करने से नहीं होगा। प्रशासन को बुलाए, आवेदन देखे, प्रशासन आया रोक दिया और फिर भी हम लोग थाना गए, उसके बाद धान रोक दिया। जमीन का मामला हमारा है यही है, यहाँ है बबला चौके काटा के धान यहाँ जो है तो अपने मन का देखा प्रशासन आया था। उसके बाद जो है प्रशासन आया
कर्मचारी पेपर लेके इसके बाद पूजा भी जस्ट के बाद धान यहाँ रोक लिया संजय गंगा करती करता यहाँ आओगे तो मारपीट करने के मरा कर दिया कहता कुछ नहीं है इसका यहाँ। सरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 हुट्टी बाजार स्थित हटिया गेट के आसपास पानी जमने से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने गुरुवार को वहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 हुट्टी बाजार स्थित हटिया गेट के पास पानी जमने से फैली गंदगी के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इधर नगर भवन के समीप भी कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम में इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने गुरुवार को यहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही नगर निगम को इसे संज्ञान में लेकर साफ सफाई करने की मांग किया है। कहा कि ऐसा नहीं होने पर स्थानीय लोगों के द्वारा नगर निगम का घेराव व उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर शहबाज नाजरी, शद्दाम हुसैन, मोहम्मद राज, मोहम्मद अली, मोहम्मद कली, मोहम्मद कमरुद्दीन, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद अरमान समेत कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। मेन गिरिडीह का है, आज का जो मेन गेट है गेट के पास देखिए कितना पानी जमा हुआ रहता है। हम लोग नगर निगम को बोलते हैं तो सुनते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं है, इसलिए हम लोग को बहुत तकलीफ होता है और बहुत आने जाने में हर आदमी को जो है तो तकलीफ होता है। टाउन हॉल के सामने जो गेट है मेन गेट, वहाँ पर देखिए जो नली ऐसे किया खड़ा है जो ईटा पीटा, वहाँ पर दुनिया भर का कूड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं। जय मतो नगर निगम का गाड़ी को बोले कोई कुछ सुनता ही नहीं। क्या चाहते हैं अभी? हम लोग क्या चाहते साफ सफाई किया जाए, उसको कर दिया जाए, इसको ईटा लगा दिया जाए, इसमें जो कि पानी नहीं जमे, जैसे आगे बना हुआ है उस तरीके जिसमें भी ईटा का किया जाए। इतना पानी है कि हम लोग के नाले में दिक्कत होता है, इस तरह का हाल वहाँ टाउन हॉल पास है, पूरा कचरा फेंका हुआ सर। हम लोग नगर पालिका गए, नगर पालिका में कुछ सुनवाई नहीं, साफ सफाई एकदम उठाने वाले नहीं है, उठाने वाले नहीं होते। नगर पालिका कितना बार गए कंप्लेन किए तो सुनवाई नहीं होती। नगर पालिका का हाल देखिए कितना आने जाना सुबह दिक्कत होता है, गाड़ी आते जाते पहले देखिए खबर ब्लॉक भी बिका होता है, उखाड़ के फेंक दिया गया, रोड पार होते हैं कीचड़ लग जाता है, दिक्कत होता है हम लोग को, इतना डूब जा रहा है। नगर निगम के सभागार में प्रभारी महापौर प्रकाश राम की अध्यक्षता में स्थापना से संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक किया गया। बैठक में रिटायर्ड कर्मचारियों का मानदेय, सफाई कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। नगर निगम के सभागार में प्रभारी महापौर प्रकाश राम की अध्यक्षता में स्थापना से संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक किया गया। बैठक में रिटायर्ड कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी, सफाई कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया, साथ ही समस्याओं का जल्द निष्पादन करने का निर्देश भी दिया गया। मौके पर मृत्युंजय सिंह, सुभाष शर्मा, श्याम किशोर प्रसाद मौजूद थे। स्थापना से संबंधित और बैठक कभी आयोजित की गई थी, इसमें जो हमारे स्थापना देखते हैं मृत्युंजय प्रसाद सिंह और सुभाष जी और स्थापना से संबंधित अन्य कर्मी लोग उपस्थित थे। इस बैठक में अस्थाई कर्मी, मानदेय कर्मी, डेली वेजेज, ठेला सफाई कर्मी, अतिरिक्त सफाई कर्मी, सेवानिवृत्त कर्मी, ऐसे सारे कर्मियों के की जो समस्याएं थी उस पर हम लोगों ने उसको हमने देखा है और उस पर एक विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। इन सारे कर्मियों की जो समस्याएं हैं उसको हमने त्वरित गति से और निष्पादन करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ हमारे वैसे कर्मी जो रिटायर कर गए हैं, 2 साल हो गया 3 साल हो गया 4 साल हो गया ऐसे कर्मी जो रिटायर कर गए हैं उनका जो पावना है उनको क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वो भी कैलकुलेटेड नहीं था। हमने कहा है कि शीघ्र इसको कैलकुलेशन करके और दीजिए तो उसका भी एक सीट हमको मिला है।
और इसमें जो पावना है, हमने कहा है कि जो पावना हमारे कर्मी का है जो रिटायर किए हैं, उसको शीघ्र कैसे भुगतान हो और उस राशि का उपलब्धता कहाँ से हो, जो जो सोर्सेस हैं, चाहे वो जो राशि नगर विकास से आनी है वो नगर विकास से, जो यहाँ के आय स्रोत से देना है वो यहाँ के आय स्रोत से, ऐसे संसाधन जुटाकर और उन लोगों को भुगतान यथाशीघ्र किया जाए, यह भी हमने निर्देश दिया है। तीसरी बात है कि PFC संबंधित भी कुछ बातें थी, वो जो हमारा अभी एक PF का चल रहा है, कुछ कर्मियों का PF जाना बाकी था, बाकी लोगों का भी निर्देश के अनुसार गया भी है, उसको भी हमने कहा है कि इसको जितना जल्दी हो सके PF का भी भुगतान और कर्मी को के खाते में किया जाए। ऐसे सारे विषयों पर और एक चर्चा हुई, चर्चा के क्रम में और सारा जो निर्देश देना चाहिए था उन लोगों को दिया गया है, और हमने कहा है कि इसका और भी एक विषय था कि कुछ लोगों का एक एरियर, यहाँ जो कर्मी है उसका एक एरियर वो भी बकाया था, वो भी लोगों ने आवेदन, लोगों ने भी आवेदन दिया, उसको भी हमने कहा है कि इसको जितना जल्दी सॉर्ट आउट करते हुए और सारा जो बकाया है उसको जितना जल्दी हो सके उसको उसका भुगतान किया जाए। बिरने प्रखंड क्षेत्र के भाजपा नेता राहुल कुमार रावत के पुत्र का शव पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बीते मंगलवार को सूरत के एक अस्पताल में इलाज के क्रम में निधन हो गया था। गुरुवार को पार्थिव शरीर पैतृक गांव मंजलाडी पहुंचा। बिरनी प्रखंड के महिलाडी गांव निवासी भाजपा नेता सतेंद्र राउत के पुत्र राहुल कुमार राउत उम्र 25 वर्ष का बीते मंगलवार को इलाज के दौरान सूरत में एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, जिसका पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक निवास स्थान महिलाडी पहुंचते ही महिलाडी गांव के अलावे अगल बगल के गांव के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इधर शोकाकुल परिवार को बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह व भाजपा नेता छोटेलाल यादव, बिरनी प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह, बिरनी प्रखंड सांसद प्रतिनिधि महेंद्र कुमार यादव समेत सैकड़ों लोग सांत्वना देने पहुंचे। बेनावर अंतर्गत कर्णपुरा पंचायत में निर्माण हो रहे उप स्वास्थ्य केंद्र में भारी अनियमितता बरती जा रही है, इसको लेकर ग्रामीणों ने विभागीय जांच की मांग की है। बेंगाबाद के कर्णपुरा पंचायत में निर्माण हो रहे उप स्वास्थ्य केंद्र में बढ़ती जा रही अनियमितता को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें निम्न क्वालिटी के मटेरियल और निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है, इसको लेकर ग्रामीणों ने विभाग से जांच की मांग की है। वहीं खराब हुए ढलाई को दोबारा तोड़ कर बनाने की मांग की है। इस संबंध में संवेदक से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कुछ लगा ले जी, बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा ले, एस्टीमेट वगैरह कुछ नहीं देखा था। बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य केंद्र जो नया निर्माण हो रहा है उसमें ठेकेदार के द्वारा बहुत गलत काम किया जा रहा है, और ढलाई पर चढ़ के स्कूटी इंजीनियर आके देखें अपने से कैसा काम हुआ है। बनाया है तो हम लोग बोले थे ऐसे छोड़ देता है, मैंने जैसे वैसे ढल देता है ठेकेदार लोग और यहाँ से चला जाता है, और बाद में क्या होगा तो गारंटी है ये नहीं है कि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है। ढलैया जो किया कल, इसमें कुछ बिछाया वगैरह नहीं, ना खासा किया ना पाटा चलाया, कुछ नहीं किया, पिलर भी भरा अधूरा छोड़ दिया, बढ़िया से काम नहीं हो रहा है जी। यहाँ पे हमारे वार्ड सदस्य हैं, तमाम लोग भी हैं ग्रामीण, सब सभी व्यक्ति लोग बोले इस बात को, बोर्ड वोड लगाइए जरा एस्टीमेट, यही साहब का क्या फर्ज बनता है कि जब तक ढलाई नहीं होता तब तक यही साहब को यहाँ पर रहना चाहिए, क्या क्वालिटी हो रहा है, क्या आप सीमेंट छड़ी बालू डाल रहे हैं, रिमोट भी नहीं रहे,
साथी लोग बोला था कि इससे ज़रा इस्टीमेट को बताइएगा जरा सर, इस्टीमेट भी उन्होंने नहीं दिखाई। अब ढलाई का क्वालिटी देखिए, पिलर का देखिए, जितना बीम वगैरह दिया है बीम वगैरह भी सब मरा, सीढ़ी का भी पोजीशन ठीक नहीं है, हमें व्यवस्था रखना चाहिए। हम प्रशासन से विभाग से क्या मांग करते हैं? मांग है कि इसको एक रूम जितना जो खराब हुआ है उसको तोड़ के पुनः जो है नया बनाने का काम करें। ये ढलाई कब हुआ है? ढलाई कल हुआ है, कल ठेकेदार से बात भी किए थे। अच्छा, हम बोले कि भाई थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा, कहा कि तो उप स्वास्थ्य केंद्र है, एक हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ पर इलाज होगा, नहीं तो छत धस के ऊपर से पब्लिक मर जाएगा। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत तेलोडारी पंचायत में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए गांडे विधायक सरफराज अहमद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किक मारकर खेल का शुभारंभ किया। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत तेलोनारी पंचायत में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 24 टीमों ने भाग लिया। वही आज फाइनल खेला गया। खिलाड़ियों के हौसला अफजाई करने के लिए गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद मौके पर पहुंचे। उपस्थित खिलाड़ियों ने विधायक का गर्मजोशी के साथ फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं विधायक ने किक मारकर खेल का उद्घाटन किया। मौके पर काफी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। पढ़ाने और लिखने का भी काम हम लोग को होना चाहिए। हमारा समाज उसी समय आगे बढ़ेगा जब हमारे बच्चे पढ़ लिख के तैयार होंगे, आगे बढ़ेंगे। हमको दुनिया से मुकाबला करना है और बड़ी ताकत उनसे मुकाबला करना है, इसलिए खूब खेलिए और खूब पढ़िए और डट कर खेलिए। यह था हमारा आज का, फिर मिलते अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।